Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, second year. Welcome to lecture number 24. Today we'll continue our chapter number 4, that is control structure. So the topics which we have to cover today are for loop and while loop. For loop humne kal start kiya hua tha, to aaj hum iski ek aur example karte hain, that's mentioned in your book, and afterwards we'll see what is while loop and then we'll do an example. तो फॉर लूप का मैं वंस अगेन सिंटेक्स रिवाइज करवा देती हूँ कि फॉर लूप में बेसिकली हमारे पास स्टेप नंबर 1 होता है कि हम लोग अपने काउंटर को इनिशियलाइज करें. फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 हम कर देते हैं, ठीक है. हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें 1 से स्टार्ट करना है तो आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2, डिपेंडिंग अपॉन योर लॉजिक, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम कि आप क्या बेसिकली प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है. तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, पहले यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में इनिशियलाइजेशन होती है, देन हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम अपनी जो बेसिक कंडीशन है उसको लगाते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्या होता है कि अंदर आ जाते हैं, अपना काम करते हैं स्टेप नंबर 3 में, एंड स्टेप नंबर 4 में हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं. अगर हम मज़ीद स्टेप्स भी लाएँ यहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है, पहले लूप क्या होती है, बार बार हमारे पास स्टेटमेंट्स रन होती रहती है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 हुआ कि हमने इनिशियलाइज किया, स्टेप 2 हुआ कि हमने कंपेयर किया, स्टेप 3 में अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, स्टेप 4 में इंक्रीमेंट किया, ठीक है. स्टेप 5 क्या होता है कि दोबारा हमारे पास कंपेरिजन होता है, कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेप 6 में दोबारा हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं स्टेटमेंट्स, एंड स्टेप 7 में दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है. फिर हमारे पास कंडीशन चेक होती है जिसको मैं 8 कह रही हूँ, ठीक है. अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये इधर अंदर आते ही नहीं है. स्टेप 9 में क्या होता है कि फॉर लूप के बाहर जो भी काम होना होता है वो होता है, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो. तो अगर यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है तो एंड हो जाता है, अगर यहाँ पे कोई और मज़ीद काम करना है तो वो होता है. तो फॉर लूप का हो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया था, कल भी समझाया था, आज भी रिवाइज कर दिया. ये फ्लो चार्ट एक बना हुआ है कि इसमें बता रहे हैं कि फॉर लूप का फ्लो बेसिकली क्या है, कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था इनिशियलाइज होता है, ठीक है, कि कोई वैल्यू दी जाती है आपके काउंटर को, फॉर एग्जाम्पल आई इज़ इक्वल्स टू 1 हो गया. देन आपके पास कंडीशन चेक होती है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5. अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग लूप के अंदर आ जाते हैं, फॉर के ब्रैकेट्स के अंदर आ जाते हैं, और जो भी काम करना होता है वो करते हैं, देन इंक्रीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई इज़ इक्वल टू आई प्लस प्लस कर दिया हमने, और ये काम हमारे पास रिपीटेडली ये साइकिल चलती रहती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर आ गया, उसने काउंटर को अपडेट किया, कंडीशन ट्रू है लूप के अंदर आ गया, काउंटर को अपडेट किया. लेकिन कहीं पे भी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो आपकी फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, ठीक है. तो इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, कल हमने एक देखी थी, आज हम एक और देखते हैं, ठीक है. ये आप लोगों को मैंने एज एन क्लास असाइनमेंट भी कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से खाली 2 या 3 स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम की है. तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है प्रोग्राम. बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने 1 से लेके स्टार्ट किया है अपना काउंटर, हम 5 तक लेके गए हैं, और हर बार हम 2 का इंक्रीमेंट करते रहे हैं, ठीक है. इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम का ड्राई रन करते हैं, ठीक है. हम वापस अपनी स्लाइड्स में जाते हैं. ओके, अब हम इसका करते हैं ड्राई रन. अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने कह दिया हमारे पास एक वेरिएबल है k इज इक्वल्स टू 1,
ठीक है। तो आप लोग क्या किया करें, जब भी आपको प्रोग्राम को समझना है ना, तो आप अपने पास इसका ड्राई रन किया करें, देखा करें कि जब के वन था फिर क्या हो रहा है, के टू था फिर क्या हो रहा है, के थ्री था फिर क्या हो रहा है, ओके के फोर था तो फिर क्या हो रहा है। मैं आपको करके बताती हूँ। पहले हम लोग, सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये मेन के अंदर आता है, इसने स्टेप बाय स्टेप आप लोग एग्जीक्यूट किया करें। देखिए ऐसे आपके सिस्टम ने करना है। सबसे पहले यहाँ पे होता है लिखा हुआ है इंट के, तो के नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, वो एम्प्टी है। देन हमारे पास क्या हुआ, फॉर के अंदर आ गया, ठीक है, फॉर लूप स्टार्ट होगी। अब फॉर के अंदर पहले हमारे पास लिखा हुआ है के इज इक्वल्स टू वन, तो के की वैल्यू हमारे पास वन हो गई। यहाँ पे आप लिख लें के इज इक्वल टू वन पे क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कंडीशन चेक करते हैं, के इज लेस देन इक्वल टू फाइव होनी चाहिए कंडीशन। तो हमारे पास जो वन है ये लेस देन इक्वल टू फाइव है, ये ट्रू है। जब भी हमारे पास वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है, ये फोर के अंदर आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट के। सी आउट के का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए, ओके, कोई हमारे पास नहीं है, तो हमने डायरेक्टली इस जो के की वैल्यू है इसको प्रिंट करवा देना है। सी आउट के के अंदर क्या है, वन वन हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एंड एल, मतलब कि हम लोग न्यू लाइन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है, न्यू लाइन की तरफ मूव करके हम इधर आ गए, ठीक है। अब जब हमारे पास फॉर के अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है, हम वापस की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप वन ये होता है, टू ये होता है हमारे पास, थ्री ये, एंड देन ये होता है फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने के अंदर इंक्रीमेंट करना है। अब हम जरूरी नहीं है कि वन का इंक्रीमेंट करें, हम अपनी चॉइस से कोई भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे दो का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि वन प्लस टू, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, थ्री। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, थ्री, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास वन की जगह हो गई है थ्री, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जब के थ्री है फिर क्या होगा, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, थ्री की जो वैल्यू है वो है लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है, और हमने दोबारा के अंदर इंक्रीमेंट करना है। लेकिन स्टेप थ्री क्या होता है कि हम सी आउट करते हैं। तो सी आउट हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने सी आउट क्या किया था, वन, हम न्यू लाइन की तरफ मूव कर गए थे, अब हमने सी आउट किया थ्री, एंड अगेन हम न्यू लाइन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप हो गया। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, इंक्रीमेंट का। के की वैल्यू थ्री थी, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब थ्री प्लस टू होगी तो फाइव, के की वैल्यू फाइव हो गई, ठीक है। के इज इक्वल टू फाइव, कंडीशन क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू फाइव। तो फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव क्या है, ये नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आएगा, सी आउट नहीं होगा, और ये डायरेक्टली प्रोग्राम एंड हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा रिटर्न जीरो, ठीक है। अब रिटर्न जीरो इस तरह लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि प्रोग्राम एंडेड आफ्टर एग्जीक्यूशन, क्योंकि रिटर्न जीरो का मतलब क्या है कि ये वापस मेन फंक्शन को रिटर्न कर दो, ये जीरो इधर आ जाए, प्रोग्राम को एंड कर दो, ठीक है, इस मेन फंक्शन को एंड कर दो। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे पास ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, देखें वन थ्री फाइव, अगर यहाँ पे लेस एन इक्वल टू सेवन लिखते तो ये फाइव भी प्रिंट हो जाता, ठीक है, क्योंकि फाइव लेस एन इक्वल टू सेवन था। तो हम एक नंबर छोड़ के एक नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव अगर लिखा हुआ हो, तो हम लोग हर बार दो का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वन से स्टार्ट कर रहे हैं, वन प्लस टू कर रहे हैं, थ्री पे आ गया, थ्री प्लस टू कर रहे हैं, फाइव पे आ गया, ओके। तो अगर आप लोग के पास इस टाइप का प्रोग्राम आए, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है कि एवरी सेकेंड नंबर आप प्रिंट करें या ऑड नंबर प्रिंट करें, तो आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। ऑड नंबर के लिए वैसे फंक्शनैलिटी ये नहीं यूज़ होती, लेकिन अगर इन वेरी बैड सिनेरियो आपके वो कुछ समझ आ रही हो, तो आप लोग एक नंबर छोड़ के एक नंबर प्रिंट करवाना हो, तो ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको मूव करते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ। ये मैंने कोड लिखा है एग्जैक्टली यहीं से कॉपी पेस्ट किया था हमने वो। अब हम इसको कंपाइल करके और रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। क्या वही आता है कि पहले 1 प्रिंट होगा, फिर उसमें +2 होगा और 3 प्रिंट होगा, फिर +2 होगा, तो 5 is less than 5 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, 1 and 3 जस्ट। और एंड एंड लिखा हुआ है इसलिए हमारे पास न्यू लाइन में आएगा 3। सॉरी मेरा सिस्टम स्लो है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। ओ देखें, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, 1 and 3। पहले मेरे पास क्यों रन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया हुआ था, तो कंडीशन के बाद कभी भी सेमी कॉलन नहीं होता। आई थिंक आपकी बुक में भी लगा हुआ है, मैंने ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लिया आपकी बुक को। तो अगर आपकी बुक में यहाँ पे सेमी कॉलन है तो डू मेक अ करेक्शन। ओके, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, पहले 1 आया फिर 3 आया। अब एक और चीज़ देखें, जब हमारे पास सिंगल लाइन हो लूप के नीचे या इफ के नीचे, तो बेशक हम ब्रैकेट्स ना लगाएं, क्योंकि फॉर को पता है कि मेरे नीचे एक ही लाइन है, मैंने इसी को एग्जीक्यूट करना है और किसी को एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, फॉर को इस बात का पता है कि उसने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, हमारे पास आउटपुट भी सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट हमने मूव करना है अपने नेक्स्ट की तरफ, लूप की तरफ, जो कि है हमारे पास वाई लूप। ठीक है, वाई लूप में हमारे पास क्या होता है, वाई लूप का भी एग्जैक्टली वही काम है जो हमारे पास फॉर लूप का काम है, लेकिन वाइल में पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चेक होती है एंड देन इस कंडीशन की बेस पे नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, ये इसका एक फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। ओके, मतलब कोई वैल्यू दे देते हैं, देन हम लोग कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज हमारे पास लूप एंड हो जाता है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हम लोग फॉर लूप में क्या करते थे, फॉर लूप में हम लोग एक फॉर के अंदर ही ये सारे काम करते थे। पहले हम इनिशियलाइज करते थे, मतलब आई इज इक्वल्स टू 1 किया, फिर हमने कंडीशन लगाई, या आई की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग बस फिक्स हो जाएं कि मैम आई यूज़ करती हैं तो हमने भी आई यूज़ करना है, कोई वेरिएबल हो सकता है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, सॉरी इससे मुझे लिखना काफी मुश्किल लगता है। ठीक है, हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते थे, फिर कंडीशन चेक करते थे एंड देन इंक्रीमेंट करते थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वाइल लूप है इसमें हम लोग लूप से बाहर इनिशियलाइज कर देते हैं, देन जैसे कि इधर हमने लिखा यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, फिर हम ब्लॉक के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद, क्योंकि लूप की बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट किया फिर कंडीशन चेक होती है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन अभी भी ट्रू है दोबारा लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू इंक्रीमेंट करेगा, ये रिपीटेडली ये चलता रहता है। जिस वक्त भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये वाइल से बाहर निकल आता है। तो हम इसका भी एक प्रोग्राम करके आज समझते हैं। ओके, ये हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमें कहता है कि 1 से लेकर
15 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करते जाओ। ठीक है, क्या मतलब इसका? इस प्रोग्राम को कॉपी करूं मैं यहाँ से, क्या ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। आप इसकी जगह अपनी बुक वाली हेडर फाइल्स भी यूज कर सकते हैं, आयो स्ट्रीम डॉट एज एंड कोनियो डॉट एज। ओके, नीचे आप गेट सी एच लिख सकते हैं, यहाँ पे अवॉइड मेन लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट बिकॉज हम लोग डेफ सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि उसको ये हेडर फाइल्स, वो उन हेडर फाइल्स को एज अ हेडर फाइल नहीं पिक करता। वो क्यों नहीं करता? वो मैंने जब इस सीरीज स्टार्ट की थी सी प्लस प्लस की, उसमें जब डेफ सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे बताया था। मैं अभी भी देखती हूँ कि स्टूडेंट्स जब अपना सॉल्व करके भेजते हैं कुछ भी, तो वो उनको नहीं समझ आ रहा होता कि डेफ सी प्लस प्लस पे जब वो रन कर रहे हैं तो एरर क्यों आ रहा है। ओके, तो अब देखें हमारे पास प्रोग्राम है, ये कहता है 1 to 15 आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं इनको आपस में ऐड करते जाओ। मतलब कि 1 + 2 करो, फिर +3 कर दें, फिर +4 कर दें, +5 कर दें इसके अंदर, और ये 15 तक जाता रहे। ठीक है, 1 + 2 क्या हो गया? 3। फिर 3 + 3 हो गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है? 15 तक। तो हम एक नंबर ले लेते हैं आई इज इक्वल्स टू 1, इसको 1 से लेके 15 तक जाते हैं। हमें बेसिक कंडीशन क्या है कि हमने 15 तक जाना है। तो जो आपकी बेसिक कंडीशन होती है ना वो आप इधर लिख देते हैं। आई को मैंने 1 लिया, ये आई हमने ले लिया। ठीक है, आई 1 है, फिर हम आई को 2 कर देंगे, फिर हम आई को 3 कर देंगे, फिर आई को 4 कर देंगे और ले जाएंगे आई को 15 तक। ठीक है, और हम इनको ऐड करके किसी जगह पे स्टोर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया सम। ठीक है, एक स्पेस सम की बन गई और एक हमारे पास वेरिएबल आई है। अब आई के अंदर पहले 1 है तो हमने सम के अंदर पहले 0 लिया हुआ है। हमने किया सम के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, कि सम के अंदर जो भी वैल्यू है पहले 0 है और आई की वैल्यू 1 है, इनको आपस में ऐड कर दो और सम के अंदर स्टोर करा दो। सम के अंदर क्या आ गया? 1। ठीक है, फिर हमने आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, आई क्या हो गया? 2। ठीक है, आई 2 हो गया। हमने दोबारा कंडीशन चेक की, ये इस तरह चलता रहता है ना। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास चलता है इस तरह। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी पहले? 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है। हमने कहा कि सम के अंदर जो भी है उसके, अब सम के अंदर क्या था? 1 आ गया था और आई की वैल्यू 2 हो गई, उसको ऐड करा तो ये क्या हो गया? 3। हमने अगेन एक बार ये रन कर दिया सम के अंदर, सम प्लस आई कर दिया, दोबारा आई की वैल्यू +1 कर दे। आई की वैल्यू पहले क्या थी? 2 हो गई थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। आई की वैल्यू 3 हो गई और सम की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। 3 + 3 हो गया, 6 हो गया, सम में 6 आ गया। ठीक है, सम में हमारे पास 6 आ गया। हमने दोबारा क्या किया? आई +1 कर दिया, आई की वैल्यू 3 थी, अब आई की वैल्यू क्या होगी? 4। आई की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, 4 < 15 है, हम अंदर आ जाएंगे और सम में दोबारा हम सम इज प्लस आई कर देंगे। सम की वैल्यू क्या है? 4 और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? सॉरी 6, सम की वैल्यू 6 हो चुकी है और आई की वैल्यू 4, ये हो गया 10। ठीक है, तो इस तरह हम आई की वैल्यू को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम और सम में इस तरह ऐड होता जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू हमारे पास 16 होगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इधर से सम प्लस आई नहीं करेगा, आई प्लस प्लस नहीं करेगा, ये वाइल के अंदर नहीं आएगा, ये डायरेक्टली बाहर चला जाएगा और यहाँ पे वाइल से बाहर निकल आएगा। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट सम इज इक्वल्स टू सम, तो लिखा हुआ क्या आएगा? सम इज इक्वल टू, तो एज इट इज आएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है और इसके बाद सम लिखा हुआ है, तो इस सम की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि
जब हमारे पास कोई वेरिएबल नेम लिखा हुआ हो और ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स ना हो, तो इसका मतलब होता है कि इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो निकाल दे। तो एट द एंड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सीरीज को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिसीव हो जाएगी। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देखते हैं। देखिए 120, 1 + 2 + 3 सब सीरीज को ऐड करें तो 120 बनता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो, कोई इशू हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।